हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको कुछ ऐप्स बताऊंगा जो आपकी फोटोग्राफी स्किल्स को काफ़ी इन्हेंस करेंगे। और ये कुछ पेड हैं, कुछ फ्री ऐप्स हैं। जैसे इसमें कैमरा G5 लाइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें प्रोग्राम मोड है, शटर ओपन करके रखना है काफ़ी देर तक। अपने लाइट रेल्स या लाइट लेक्स की तरह फोटोज देखे होंगे तो उससे काफ़ी मदद मिल जाती है क्लिक करने में। और इसमें ऑटो फोकस भी है, मैक्रो मोड है, टाइम इंटरवल भी है, टाइम लैप्स भी आप शूट कर सकते हो, लाइट मीटरिंग का भी सपोर्ट करता है ये। और इसी का पेड वर्जन ऐप है जो 199 में पड़ेगा। इसमें तो कुछ फीचर्स आपको यूज़ करने के लिए तो पेड ऐप लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें जो इस वाले में है, स्पेक्ट्रेस्ट्रियो में है, वो 4:5 है जो आपको यूज़ करना होता है। 4:5 रेशो क्लिक करते हैं जब हम इसमें, तो ये चीज़ आपको इसमें करने के लिए परचेज करना पड़ेगा, ज़्यादा मेगा पिक्सल्स की फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जैसे आपका कैमरा 13 मेगा पिक्सल का है तो आपको पूरी 13 मेगा पिक्सल करने के लिए आपको ये 199 का परचेज करना पड़ेगा, तभी आपकी फ़ोटो जो इसमें क्वालिटी है वो काफ़ी इनहेंस होके आएगी। वरना लो एंड की फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस वाले में, लो लाइट कैमरा G5 लाइट में। और इसी तरह सिनेमा G5 लाइट है, इसमें सेम वर्जन चीज़ है जो सेम इसमें। हालांकि इसमें जो कुछ साउंड्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं। आप इसमें जो शेक वाला मोड है, लाइट मीटिंग का है, और आप रिकॉर्ड करते ही जो आपकी साउंड आ रही है उसको हेडफोन के थ्रू सुन भी सकते हैं। आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है, उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। इवन आप इसे 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आजकल आम बात हो गई है किसी भी फोन के लिए। ये कुछ ऐप्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो अगला ऐप है वो फुटेज कैमरा और गूगल कैमरा है। ये ऐप्स फ्री में है, ये आपके प्ले स्टोर से अवेलेबल करते हैं, आपको मिल जाएगी। फुटेज कैमरा में इसमें मैनुअल मोड काफ़ी बहुत अच्छा है, और इस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड्स दिख जाएंगे। पोर्ट्रेट मोड है, टाइम लैप्स मोड है, और ब्रश मोड है, टाइम इंटरवल्स, आप शटर स्पीड वगैरह सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला जो ऐप है हमारे पास वो गूगल कैमरा है। ये गूगल LLC के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे मोड्स हैं। इवन सबसे बेटर ये है, इस फोटो क्लिक करने के लिए आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो यही ऐप्स हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लेकिन गूगल कैमरा मेरे पास तो फोन में सपोर्ट करता नहीं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा रहा है योर डिवाइस इज नॉट कंपैटिबल विद दिस वर्जन। तो आप या उस फोन के साथ जा सकते हैं जो उसके साथ डिवाइस को कंपैटिबल हो, या फिर गूगल पिक्सल के फ़ोन आते हैं वो भी कुछ बेटर हैं, लेकिन आज के रेंज में कुछ ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं।